हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज मी अंकिता एंड आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक हॉल. नाउ ये हॉल है कप्स एंड लैशेस का. आई थिंक बहुत सारे लोग जानते होंगे इस साइट के बारे में, कप्स एंड लैशेस. दिस इज द साइट बाय निधि कटियार और वो बहुत 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 अच्छे वीडियोस बनाती हैं. तो मैंने वहाँ से कुछ सामान लिया है. इट्स नॉट लाइक कि मैंने पहली बार लिया है, मैंने पहले भी ले चुका है. सो दीज वर द मिनिएचर पैलेट्स जो मैंने पहले लिए थे. आई थिंक मैंने शेयर भी किया था कप्स एंड लैशेस का हॉल. अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो मैं उसको आई बटन में दे दूंगी, आप वो भी देख लीजिएगा. और मैंने ये एक ब्लश भी लिया था, ब्यूटीफुल ब्लश. तो मैंने ये चीज़ें पहले भी ली थी, आई थिंक कुछ और भी लिया था पर अभी मुझे उतना याद नहीं आ रहा है. सो दीज वर द थिंग्स जो मैंने पहले ली थी एंड आई वॉज लाइक क्वाइट इम्प्रेस्ड. आई वॉज लाइक बैंग ऑन. मतलब कितना अच्छा है कि इतने सस्ते में आपको इतना अच्छा मेकअप प्रोडक्ट मिल रहा है. दीज आर रियली 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 नाइस आई शेडोज एंड स्पेशली वेरी वेरी अफोर्डेबल. आई थिंक उनकी साइट की स्पेशलिटी यही है कि आपको क्वालिटी के साथ एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस मिलता है. सो दीज वो माई अर्लियर परचेजेस और उसका मैं लिंक दे दूंगी आई बटन पे, तो आप देख लीजिएगा. बट राइट नाउ जो मैंने लिया है मैं आपको वो दिखाती हूँ. सो स्टार्टिंग ऑफ विद द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज दिस. सो दिस इज अगेन अ ब्लश. ये SFR प्योर कलर ब्लशर है. ये मैंने लिया था बिकॉज आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस विद दिस. दिस इज द SFR प्योर कलर ब्लश, द सेम ब्लश. ये थोड़ा न्यूड शेड में है. दिस इज द एप्रिकॉट, नेकेड एप्रिकॉट शेड. और ये मैंने अब एक नया लिया है एंड दिस इज द शेड न्यूड बेरी. और ये काफ़ी पिगमेंटेड शेड है. सो दिस इज हाउ द आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक. और ये है उसका शेड. मैं आपको इसका स्वॉच दिखाती हूँ. दिस इज रियली पिगमेंटेड. सो आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ द ब्लश इज. सो यू हैव टू बी रियली 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 यू नो केयरफुल अबाउट द पिगमेंटेशन. और ये ज़्यादा का नहीं है. दिस वॉज हार्डली फॉर ₹89 or ₹99 समथिंग. आई विल गिव द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो. तो मेक श्योर आप चेक करें बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ डिस्क्रिप्शन चेक करने के लिए, क्योंकि उसमें मैं सारी डिटेल्स देती हूँ. सो दिस इज द प्रोडक्ट. और आपको एक्सपायरी भी इसमें 5 साल की मिलती है, विच इज़ ग्रेट. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने इस बार लिया है. नाउ द सेकेंड प्रोडक्ट दैट आई हैव टेकन इज दिस. दिस इज द ब्लू हेवन स्पंजेस ब्यूटी ब्लेंडर्स. तो मैंने एक ये लिया है. दिस इज इन द टीयर ड्रॉप शेप एंड दिस इज सॉरी दिस इज इन द टीयर ड्रॉप शेप एंड दिस इज द आई डोंट नो सॉरी These two shapes I have got. I'm just gonna show you all. और ये मैंने लिया था after watching the review of Shreya Jain. These are so cushy, so 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 cushy. तो ये मैंने एक लिया है ये शेप का. और मैं एक और आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन से शेप का लिया है. एंड दीज वर ऑल्सो फॉर ₹149 or ₹150 समथिंग. आई एम नॉट वेरी श्योर. अगेन चेक द डिस्क्रिप्शन. सो दीज आर द टू beauty blenders that I have taken and I love them. They are really so 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 soft. और ये मैंने Shreya Jain का review देखने के बाद ही लिया था and I really like them. So ये है इसका. मैं proper, अगर आप लोग को भी review चाहिए हो तो बताइएगा, मैं proper इसको use करके आपको review दूंगी इसका. So this was the second purchase. Now मैंने एक ये लिया था. This is the SFR Modern Go 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 palette और आई शेडो पैलेट है ये. आई एम इन द शेड 03 शेड लिया मैंने एंड दीज आर द कलर्स गाइज. लुक एट द कलर्स. और ये इतने ज़्यादा पिगमेंटेड हैं एंड इसका भी प्राइस कुछ 125 या ऐसे ही कुछ था. आई एम जस्ट गोना स्वॉच एंड लेट यू ऑल नो. सो दिस इज द पिगमेंटेशन. अमेजिंग, आई लव इट. सो ये मैंने लिया था एंड दिस वॉज आई डोंट नो अगर इसमें लिखा होगा बट नहीं लिखा है. बट अगेन दिस इज ऑल्सो फॉर 5 years एंड दिस इज़ फॉर 100 something. सो गाइज जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे ये सारे प्रोडक्ट्स 800 या 900 में पूरे आ गए थे. फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर इसकी डिटेल डालूंगी तो आप वो चेक कर लीजिएगा. सो दिस वॉज माई थर्ड परचेज एंड आई एम क्वाइट लविंग इट क्योंकि इसका पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छा है. तो ये है. और फिर गाइज जो फोर्थ है वो मैंने लिया है एक SFR का ब्लश हाईलाइटर और ब्रॉन्जर पैलेट. वो ये है. बट एक्चुअली मुझे ये हाईलाइटर ही लगता है क्योंकि ब्रॉन्जर शाइनिंग वाला ब्रॉन्जर को यूज़ नहीं करता. सो दिस इज़ द पैलेट एंड इट्स रियली रियली ब्यूटिफुल. तो मैं इसको यूज़ करती हूँ पूरे में ऐसे ब्रश घुमा के यूज़ करने का मैं सोच रही हूँ. अभी तो मैंने यूज़ नहीं किया है एंड दिस इज़ द पिगमेंटेशन. आई थिंक ये बहुत ही अच्छा हाईलाइटर की तरह काम करेगा. अभी मैंने इसको थोड़ा सा अपनी आईलिड्स पे भी लगाया हुआ है. बट दिस इज़ द
थिंग और आप देख सकते हो उसमें कितना अच्छा पैटर्न बना हुआ है. सो दिस इज़ लाइक पिंक सा हाईलाइटर है इधर, बीच में ये आपको थोड़ा लाइट कलर का हाईलाइटर मिल रहा है, एंड देन देर इज़ अ ब्राउन टोन्ड हाईलाइटर. तो ये एक हाईलाइटर पैलेट है. दिस इज़ ऑल्सो बाय SFR कलर 3D हाईलाइटर, ये मैंने एक लिया है. एंड देन फाइनल परचेज था मेरा ये, दिस वॉज द ब्लू हेवन सफायर मैट लिप कलर. ये मैंने 3 शेड्स में लिया था. मैं आपको तीनों शेड्स स्वॉच करके दिखाती हूँ. तो फर्स्ट वॉज नॉटी कोकोआ, क्योंकि जैसे कि मैं आप लोग को पहले भी अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ, आई लव शेड्स फ्रॉम ब्राउन एंड बेरी अंडरटोन्स. तो इसलिए ये इसका एक पहला शेड है. दिस इज नॉटी कोकोआ आई थिंक, येस या दिस इज़ नॉटी कोकोआ. सो दिस इज़ द फर्स्ट शेड. ये सूखने के बाद और अच्छा दिखेगा. मैं इसको लगा चुकी हूँ, बहुत जल्दी मैं इसका रिव्यू भी करने वाली हूँ. दीज आर अमेजिंग लिपस्टिक इन अ वेरी वेरी बजट थिंग. और ये एक पिंक फ्यूशिया पिंक टाइप का कलर है, ये भी बहुत ही अच्छा कलर है. एंड द नेम ऑफ दिस कलर इज़ इलेक्ट्रिक पिंक. तो ये मैंने एक लिया था. एंड देन अनदर कलर जो मैंने लिया है दैट इज़ हॉटे रेड, एंड दिस इज़ नॉट रेड बट वाइन काइंड ऑफ कलर, बट आई एम टोटली इन लव विद दिस ऑल्सो. तो दिस इज़ द कलर. बहुत ही बहुत ही बहुत ही ब्यूटिफुल कलर्स हैं इसके. इसका रिव्यू मैं करने वाली हूँ कि मैं इसको ट्राई कर चुकी हूँ, सब कुछ कर चुकी हूँ, एंड दिस इज़ रियली नाइस लिपस्टिक्स. बहुत अच्छी लगी मुझे ये. सो ये मेरा हॉल था फ्रॉम कप्स एंड लैशेज. आई होप आपको ये पसंद आया होगा. मेक श्योर अगर आपको मेकअप खरीदना है तो आप कप्स एंड लैशेज से पक्का खरीदिए. आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मेकअप मिलेगा विद इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस. मेक श्योर आप वो करें. एंड दीज आर द स्वॉचेज ऑफ द लिप शेड, दीज आर द स्वॉचेज ऑफ द प्रोडक्ट्स, लाइक दिस इज द आई शेडो, दिस इज द ब्लशर, एंड दिस इज द हाईलाइटर. तो ये था मेरा कप्स एंड लैशेज का हॉल. आई होप आपको पसंद आया होगा. और अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना. मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन दिस इज मी अंकिता सिंह, गुड बाय, टाटा.